अब हम लोग वीडियो नंबर 2 जा रहे हैं शुरू करने के लिए। मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल हम लोग लेसन 13 एमीन का वीडियो नंबर 2 जा रहे हैं पढ़ने के लिए। चलिए देखिए, आज आपको पढ़ना है एमीन की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमीन का क्षारकीय गुण, तो आप कह सकते हैं कि जो जैसा अमोनिया होता है वह क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक उसी तरीके से एमीन भी क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है, ये बता सकते हैं। यानी मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से एमीन क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है, तो कैसे प्रदर्शित करता है आप इसको थोड़ा सा दिखा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर एमीन के लिए तो आप जानते ही होंगे RnH2H है, तो यहाँ पर प्लस माइनस आ गया है, जिसे पता है कि जो एमीन होता है क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो आइए अब आगे हम लोग चलते हैं। तो एमीन जो होता है क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है, इसको आप बता सकते हैं। उसके बाद से थोड़ा सा एमीन का नाम और जो PKB का मान कितना होता है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आप बता भी सकते हैं कि जो PKB का मान कितना होता है। सबसे पहले मेथेन एमीन का देख रहे हैं 3.38, और मेथिल मेथेन एमीन को आप देख रहे हैं 3.27, और NN डाई जो मेथिल है उसको भी आप देख रहे हैं 4.22 है। तो इस तरीके से आप पूरा टेबल में देख रहे हैं कि जो जो आपके हैं उसका कितना माने मान होता है PKB का मान। तो जो भी पूछता है आप उसको बता सकते हैं कि इसका मान इतना होता है। इस तरीके से आप जो भी माने PKB का मान पूछता है उसको आप बता सकते हैं कि इतना होता है। उसके बाद से देखिए एमीन की संरचना और बाध्यता में संबंध। तो जो एमीन होता है आप जानते होंगे कि RnH2 होता है, H से क्रिया कराते हैं तो RN के ऊपर प्लस 3H हो जाता है। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि जो एल्किल एमीन होता है इसकी संरचना अमोनिया से मिलता जुलता है, और बता सकते हैं कि अमोनिया के जैसा इसका भी संरचना होता है। ठीक है, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब उसके बाद से नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। जैसे जैसे प्रश्न पूछेगा, जैसे आपके प्रश्न पूछा जाता है कि अमोनिया में आता है कि एल्किलन से आप क्या समझते हैं, तो आप इसमें बहुत सिंपल सी बात करेंगे कि जब एमीन एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है तो इसी क्रिया को हम लोग एल्किलन कहते हैं। याद करो, छोटा सा डिफिनेशन आपका है कि जब एमीन एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्किलन कहते हैं। तो ये बात भी अगर आपसे कोई पूछे कि एल्किलन किसे कहते हैं, तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि जब एमीन जो होता है वह एमीन जब एल्किल हैलाइड से क्रिया करता है तो इसे हम लोग जो होता है एल्किलन कहते हैं, और आप रिएक्शन में भी दिखा सकते हैं कि एल्किलन का रिएक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये एमीन है RnH2, और एल्किल हैलाइड RX से क्रिया कराएं तो RnH नीचे आ रहा जाएगा, एल्किल एक और जुट जाएगा या चढ़ जाएगा, फिर आप आगे बढ़ाएंगे RX की उपस्थिति में तो RnRR जुट जाएगा, फिर RX की उपस्थिति में तो इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाता है। चलिए उसके बाद से आप एक चीज़ और देख रहे हैं, इसमें दिखा रहा है कि पूछ रहा है कि एसिलेशन किसे कहते हैं। तो एसिलेशन में तो एसिलेशन के बात भी अगर पूछ रहा है तो ये भी हम लोग बता सकते हैं कि जब प्राथमिक एमीन अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया करता है तो इसी का हम लोग क्या कहते हैं, एसिलेशन कहते हैं। याद करो, यानी जब जो आपका एमीन होता है क्या जब आपका एमीन होता है वह एमीन किससे क्रिया करता है, अम्ल हैलाइड से या अम्ल क्लोराइड से जब वो क्रिया करता है तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं एसिलेशन। तो एसिलेशन भी पूछता है तो एसिलेशन के बारे में भी हम लोग बता सकते हैं। रिएक्शन दिख रहे हैं कि आर
NH2 है, प्राथमिक अमीनो यानी यहाँ पर छूट गया, RNH2 प्लस R-COCl क्रिया कराते हैं तो RNHCO(R-) प्लस HCl यानी जो होता है एमाइड का निर्माण हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग आइसोलेशन। तो किसे कहेंगे कि जब प्राथमिक अमीन होता है ये अम्ल क्लोराइड से क्रिया करता है तब जो होता है आपका, जब अम्ल के साथ क्रिया करता है अम्ल क्लोराइड के साथ तो एमाइड का निर्माण होता है जिसे हम लोग एसिलेशन कहते हैं। चलिए आगे जो रिएक्शन आता है जिसका नाम होता है कार्बेल एमीन अभिक्रिया, तो थोड़ा इसको भी जान लेते हैं कि कार्बेल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि जब जब माने एमीन जो होता है वह क्लोरोफार्म से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है इसी को कार्बेल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। याद करो कि जब जो एमीन है, अब एमीन जो है वह जब क्लोरोफार्म से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो इससे एथिल कार्बिल एमीन पोटेशियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है जिसे हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया के बारे में भी हम लोग बता सकते हैं कि जब एथिल एमीन क्लोरोफार्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो एथिल कार्बिन एमीन का निर्माण होता है, पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है जिसे हम लोग कार्बेल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह भी बात अगर आता है तो पूछ सकते हैं, रिएक्शन भी आपको याद हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को बता सकते हैं। रिएक्शन भी देख रहे हैं कि एथिल एमीन है CH3CH2NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH क्रिया कराने के बाद CH3CH2NC प्लस 3KCl प्लस H2O बन गया है। तो इस तरीके से आप अगर कोई पूछता है तो इस चीज़ को भी आप बता सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट 5 नंबर जो है कहता है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो चलिए नाइट्रस अम्ल के साथ भी अभिक्रिया दिखा देते हैं कैसे एमीन अभिक्रिया करता है। तो नाइट्रस अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, एनिलीन के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। उसके बाद से आप देख रहे हैं यहाँ पर एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो देखते हैं रिएक्शन में यही है एरिल सल्फोनिक क्लोराइड और इसकी जो क्रिया होती है ये आपका बेंजीन क्लोराइड है, यह से डबल बॉन्ड OCl जिसका नाम होता है बेंजील सल्फोनिक क्लोराइड प्लस प्राथमिक एमीन है NH2C2H5 रिएक्शन के बाद बेंजीन यह से डबल बॉन्ड NH2C2H5 प्लस HCl का निर्माण हो जाता है। तो ये भी बता सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कुछ बातें आती है जिसमें आपका ब्रोमिनन होता है। तो आप कहेंगे कि जब एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं, देखिए एनिलीन है ना वो है, इसको बेंजीन एमीन भी कहते हैं, एनिलीन भी कहिए, इसकी क्रिया देखिए ब्रोमीनीकरण कर रहे हैं तो ब्रोमीन से इसकी क्रिया कराएंगे। तो हमने एनिलीन लिया, इसकी क्रिया ब्रोमीन से कराया तो ये बेंजीन बना और 3 Br आपके जुट गया और 3H ले करके, भाई 3 जगह जुटेगा 3H निकलेगा ना, यहाँ पर देखिए ये आपका एनिलीन है, ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है तो 3 जगह ये जुटेगा तो 3H लेके जाएगा ना, तो 3HBr आपके बाहर। इसका नाम क्या होगा, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो 2 पर 1 ब्रोमीन आ रहा है, 1 4 पर 1 6 पर तो लिखेंगे 2, यहाँ पर देखिए इसका IUPAC नाम है 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 1 2 पर 1 4 पर 1 6 पर तो 2 4 6 और जब भी IUPAC नाम लिखते हैं तो कामा लगा के लिखते हैं तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाए। तो इसको भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन भी देख लेते हैं।
आगे आपका कहता है नाइट्रीकरण, तो एनिलिन का भी क्रिया नाइट्रीकरण कराएंगे। नाइट्रीकरण का मतलब होता है कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो भी बन जाता है आपका। उसके बाद से इनके निम्न दो कारण भी होते हैं, तमाम प्रकार के जो बातें होती है उसको बता सकते हैं आप यहाँ पर। नाइट्रीकरण के बाद नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, सल्फोनेशन पर आते हैं, तो सल्फोनेशन पर भी आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिलिन है, ये NH एनिलिन है, इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में H2SO4 तो कराते हैं, तो NH2HSO4 या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, SO4 यहाँ पर रहेगा, तो NH2HSO4 के ऊपर माइनस, फिर 455 से 475 केल्विन पर गर्म करते हैं तो बेंजीन है, इसके ऊपर NH3+ और नीचे SO3 सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो सारा चीज़ आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे एक और आपका चीज़ आता है जिसका नाम होता है डाई एजोनियम लवण, तो ये भी देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है डाई एजोनियम लवण। देखिए डाई एजोनियम लवण का जो सामान्य सूत्र होता है यही होता है Rn2 पर प्लस और X पर माइनस। याद करो कभी मत भूलना, जब डाई एजोनियम लवण कहेगा तो डाई एजोनियम लवण का सूत्र होता है Rn2 पर प्लस X पर माइनस, जहां R एक एरिल समूह है। एरिल का मतलब होता है कि ये बेंजीन होगा, यानी बंद श्रृंखला में होता है। लिखा है कि जहाँ R एक एरिल समूह है और X पर माइनस आयन क्लोरीन ब्रोमीन या HSO4 पर माइनस या BF4 पर माइनस आदि में से कोई भी हो सकता है, और N2 समूह को डाई एजोनियम समूह कहते हैं। तो आपने समझा कि जब भी डाई एजोनियम लवण की बात करेगा तो इसका जो सूत्र होगा R और फिर N2 के ऊपर प्लस और X पर माइनस, R आपका एरिल समूह होगा। एरिल का मतलब होता है बंद श्रृंखला में, N2 तो हम लोग नाइट्रोजन जानते ही होंगे, और जो X होगा वो हाइड्रोजन होता है, और N2 को हम लोग डाई एजोनियम समूह कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तब आते हैं उदाहरण के लिए, जिसे डाई एजोनियम लवण है ना तो उसके उदाहरण के लिए कुछ बातें आएंगे ना, तो उस बातों को हम लोग दिखा सकते हैं आपको। देखिए पहले तो C6H5N2Cl पर माइनस को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहते हैं, देख रहे हैं ना, C6H5 को बेंजीन कहेंगे और N2 है तो डाई एजोनियम क्लोराइड कहते हैं। एक और आपका है C6H5N2 के ऊपर प्लस HO4 को, इसका नाम होगा बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोसल्फेट, नाम होगा बेंजीन डाई एजोनियम हाइड्रोसल्फेट इसका नाम होगा, समझ गए बात को। तो इस तरीके से जो आपका बेंजीन डाई एजोनियम की बात करता है कि कैसे बेंजीन डाई एजोनियम जो क्लोराइड होता है उसका सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, यही डाई एजोनियम है। देखिए ना, ये आर का मानवा है C6H5, इसीलिए एरिल लिख दिया था बंद श्रृंखला में, बेंजीन होगा क्लोराइड आपका। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं, कैसे बनाएंगे जो बेंजीन डाई एजोनियम लवण है उसका आप निर्माण कैसे करते हैं। तो चलिए देखिए, यह है C6H5NH3, क्या नाम होगा इसका, एनिलीन, और एनिलीन आप लेंगे C6H5NH2 और उसमें आप सोडियम नाइट्राइट डाल देंगे NaNO2 प्लस HCl, और तब आप 273 से लेकर 278 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो आपका C6H5NA2 यही आपका होता है C6H5NA2 प्लस Cl। ओके, यहाँ पर Cl इसके साथ ही रहेगा, ठीक है ना, C6H5N2Cl पर माइनस प्लस NaCl और H2, इस तरीके से आपका बन जाएगा। यही तो है बेंजीन डाई एजोनियम लवण। तनी इसका अब हम लोग भौतिक गुण भी देखते हैं, जो बेंजीन डाई एजोनियम लवण है इसका तनी भौतिक गुण भी देखते हैं। तो कह सकते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी एक चीज़ तो आप समझ रहे हैं ना कि जो आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है वह पहला बात है कि रंगहीन होता है और ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, यह गर्म जल में विलय और ठंडे जल में अस्थायी होता है, यानी जब गर्म जल में हम इसको डालते हैं तो क्या होता है, घुल जाता है, और ठंडे जल में नहीं घुलता है, किंतु गर्म करने पर जल से अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन अगर आप हम बेंजीन डाई एजोनियम जो है उसको अगर गर्म करते हैं तो जल से क्रिया
कर लेता है। यह ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है, यानी ठोस अवस्था है उसमें आसानी से क्या होता है, ये टूट जाता है। ये चीज को भी आप बता सकते हैं। ये समूह आगे भी कर सकते हैं, बेंजीन डायजोनियम जो होता है फ्लोरेट जल में अविलय तथा कमरे के ताप पर स्थायी होता है। तनी इसका हम लोग रासायनिक गुणधर्म भी देखते हैं, बेंजीन डायजोनियम लवण। तो पहला क्या होता है, नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कह सकते हैं कि जो डाई एजोनियम समूह का एक उत्तम अवशिष्ट समूह के कारण OH आदि समूह द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है, ये समूह एरोमेटिक मोलेक से नाइट्रोजन मुक्त करता है। दूसरा है आपका हाइलाइड या साइनाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए देखिए यही है बेजोनियम एरिल है ना, एरिल AR लिख दिया है, यही है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी AR और N2 और यहाँ पर X पर माइनस दिखा रहा है और क्रिया करा रहे हैं किसे, क्यूप्रस क्लोराइड SL को उपस्थिति में था ARCl यानी N2 बाहर निकल गया, Cl इसके साथ आ जाएगा प्लस N2 बाहर निकल गया, CuBr या HBr को उपस्थिति में तो ARBr N2 निकलेगा, CuCn या KCn है तो RCn N2 बाहर, नाइट्रोजन बाहर निकल रहा है साइनाइड से क्रिया करना है जो भी आपका होगा। चलिए अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक और आपका दिया गया है यहाँ पर, जिसको देखिए ये जो बातें आप पढ़े ऊपर वाला वह जो दूसरी और ताम्र उपस्थिति में डायजोनियम संगत हैलोजन अम्ल में अभिक्रिया कोई बेंजीन में बोला जो हरी अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ना उसको गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं, ये जो पढ़े। अब ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह है सेंडमायर अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या है ना, ArN2 पर प्लस X पर माइनस वन कापर और HCl की उपस्थिति में कराएंगे क्रिया तो RCl बनेगा प्लस N2 प्लस CuX, RCl प्लस N2 प्लस CuX हो गया और यहाँ पर CuHBr है तो ArBr प्लस N2 प्लस CuX हो गया। तो गाटरमान अभिक्रिया का अपेक्षा सेंडमायर अभिक्रिया की अवधि अधिक होती है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बताइए सेंडमायर अभिक्रिया की समय अधिक होता है कि गाटरमान अभिक्रिया, तो सेंडमायर अभिक्रिया की अवधि अधिक होती है यानी उसको क्रिया करने में अधिक समय। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।